जिद भी निराली चीज है। कोई पिता अपने इंजीनियर लड़के से खेती क्यों करा रहा होगा। ज्ञानेश्वर बोड़की जी का एक एकड़ का फार्म लोग वह करोड़ों में खरीदने को तैयार है, पर वो अपने साथ साथ हजारों किसानों को प्रेरणा दे रहे हैं और हर महीने 60 से 70 हजार रूपए खेती से बचाते हैं। तो चलिए विजिट करते हैं इस अमेजिंग से फार्म को। नमस्ते ज्ञानेश्वर जी। नमस्ते। यहाँ पे जो खेती हो रही है उसके बारे में हमें बताइए। तो मैं ये एक एकड़ में फार्मिंग कर रहा हूँ, 25 साल से फार्मिंग शुरू है और हर साल 8-10 लाख रूपए में कमा रहा हूँ। मेरा लड़का भी अभी इस फील्ड में आ रहा है, इंजीनियर है वो, और इंजीनियर लड़का भी मेरे साथ फार्मिंग कर रहा है। दूसरा कि मेरी लड़की एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, वो भी इस फील्ड में पूरा मार्केटिंग कर रही है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होकर। जी जी। अभी हमारे साथ मेरे दामाद भी है जो आईटी का जॉब छोड़कर इस फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत करोड़ों की जमीन होगी है, तो करोड़ों की खेती करने पे कैसा लग रहा है और किस हिसाब से डिजाइन किया फार्म को? जमीन कभी बेचनी नहीं, जमीन अगर रखकर भी पैसा मिल रहा है तो और क्या चाहिए। अलग अलग टाइप का सब सिस्टम लगा के, जैसे सब्जियां है, धान है, मिल्क है, फ्रूट है, ग्रोसरी है, खुद तैयार कर रहा हूँ हाइड्रोपोनिक फॉडर, और इससे मुझे 70,000-80,000 रुपए तक महीने का मिल रहा है। तो कैसे कैसे डिजाइन है, अलग अलग कितने पोर्शन में ये पार्ट? पहला जो है इसमें है गोमाता, जो गोमाता से फर्टिलाइजर तैयार होता है, रोज दूध का पैसों से हमारा खर्चा निकलता है। दूसरा है हाइड्रोपोनिक फॉडर, गाय को फॉडर बहुत अच्छा देना है क्योंकि गायों का दूध इतना अच्छा होना चाहिए, अमृत जैसा लोगों ने पीना चाहिए उसके लिए। तीसरा है पॉलीटनल किया है, उसमें 3 लेयर फार्मिंग किया है, और चौथा पैक हाउस है जिसमें सब्जी बेचने का और सब सिस्टम का काम कर रहे हैं। पूरे बॉर्डर पे फ्रूट का प्लांटेशन है, तो हर सीजन में मैं कस्टमर को भी फ्रूट खिलाता हूँ और हम भी खाते हैं, इसलिए सीजनेबल बीमारियों का मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं जो आप देसी गोवंश पे काम कर रहे हैं। ये काऊ शेड है पूरा जी। आइडिया ये रहा था कि मुझे फर्टिलाइजर खरीदना नहीं था, दूसरा है जो फर्टिलाइजर खरीदते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर था, तो गोमाता को पहला फर्टिलाइजर के लिए संभालना है। बाद में ऐसा कस्टमर बोले कि आप सब्जी देते, धान देते, फ्रूट देते, मिल्क क्यों नहीं देते, तो फिर गोमाता का मिल्क भी देना शुरू किया, उससे भी रोज का पैसा आने लगा। बाद में बायोगैस की जरूरत थी क्योंकि पेड़ काटना नहीं है, नेचर को खराब नहीं करना है, तो उसके लिए बाद में जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर है वो भी मिलने लगा। तो ये बायोगैस अपना? ये बायोगैस। तो ये बायोगैस किस तरीके से काम करता है? ये बायोगैस में मैं 20 किलो गोबर और 20 लीटर पानी डालता हूँ, तो उससे मुझे महीने का 2 सिलेंडर मिलता है, वो काम हो गया। 500 लीटर स्लरी बाहर आती है ऐसे। स्लरी बोले तो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर, आप जीवामृत भी बोल सकते हैं। ये अपने आप तैयार होता है, तैयार करने की जरूरत नहीं है, और बाद में इसको फिल्टर भी दिया है हमने। ये फिल्टर से छान के डायरेक्ट पंप लगा के ड्रिप से छोड़ते हैं, लेबर का निकालते हैं। हाँ, तो बिल्कुल लेबर का प्रॉब्लम इससे खत्म हो गया क्योंकि लेबर ही नहीं मिल रहे एकदम। इससे टॉयलेट भी क्लीन करते, घर का फर्शी भी साफ करते, उसका भी काम होगा और फर्टिलाइजर का भी काम कर रहा है। ये फर्टिलाइजर 1 एकड़ के लिए 70,000 का मैं खरीदता था, सिर्फ बायोगैस की वजह से 5 एकड़ का फर्टिलाइजर तैयार हो गया, बोले तो 3,50,000 का फर्टिलाइजर मिल रहा है 20 किलो गोबर से। और दूसरा रेवेन्यू क्या जनरेट कर रहे हैं? जैसे आपने एक आइडिया बताया 2,000 रुपए, तो चलो आपके सिलेंडर के बचे गए, मेरा 70-70,000 रुपए साल का 1 एकड़ का फर्टिलाइजर का बच गया, वो बच गया। दूसरा है मेरे घर में रोज 500 से 1,000 रुपए खर्चा करने के लिए लगता है। 4 गाय उसमें से 2 गाय दूध देती है 24 लीटर। अच्छा। तो 100 रुपए लीटर से हम लोग दूध बेचते हैं जी, और 100 रुपए से 2400 रुपए इंजीनियर लड़का मॉर्निंग 1 आवर देता है और इवनिंग 1 आवर, तो 2 घंटे में 2400 रुपए रोज का कमा रहा है। मतलब कि इससे ही आपका 2400 रुपया आ जाता है। बायोगैस की प्राइसिंग की बात करें कितना खर्चा आता होगा? यह अभी 45,000 में हम लोग दे रहे हैं। अच्छा। इसमें से 24,350 रुपए का सब्सिडी है। ये भारत सरकार का पहला है महाराष्ट्र में जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन है। अच्छा। और ये जगह जो है 2,000 स्क्वायर फीट जगह है, बहुत छोटी सी जगह है, ये तो हल्की सी जगह है एकदम। और खुद ही कर रहे हैं और तो खर्चा नहीं आता होगा? है बराबर, कुछ खर्चा नहीं, लेकिन है चारे का और ये सारी चीजें। हाँ, फॉर्डर भी खुद बना रहा हूँ, हाइड्रोपोनिक फॉर्डर बना रहा हूँ। ये फॉर्डर पे भी देख लेते हैं। हाँ जी। तो जैसे लोगों को चारा उगाना पड़ता है, तो आप हरा चारा नहीं होगा क्या? नहीं, हरा चारा उगाने के लिए बहुत जगह लगती है, रोज पानी लगता है, फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। ये हरा चारा और पशु खाद्य की जगह पे ये देते हैं, सुबह 5 किलो देते हैं, शाम को 5 किलो देते हैं। अच्छा। तो हाँ, किस तरीके से, मतलब कि सारी गायों के लिए ये? हाँ, ये जो जगह है ये 12 फीट बाय 4 फीट 48 स्क्वायर फीट का जगह है, और इसमें 19% प्रोटीन है, एकदम हाई प्रोटीन, और इसमें फाइबर भी है। ये अपना मक्का का दाना हो गया, मक्का का दाना, कितने दिन में उग जाता है? 9 दिन में, 10वें दिन गाय को खिलाते हैं। और कितने ट्रे खिलाते हैं ये? ये 2 ट्रे, एक सुबह एक शाम, एक गाय को, एक गाय को 2 ट्रे। तो अपने पास में कितनी गाय? 7 गाय। हर दिन ये 14 खिलाते हैं? 14 खिलाते। तो समथिंग 14 × 7 कितना, 100 ट्रे का सिस्टम है अपना इतने एरिया में, और इन्हें हरा चारा मिल जाता है। हरा चारा मिल जाता है।
जाता है। सूखे चारे में तो खिलाते होंगे ना? हाँ, सूखा चारा 5 किलो खिलाता हूँ दोपहर को, क्योंकि ये सूखा चारा खाती है तो पानी पीती है, इसलिए उनकी हेल्थ अच्छी, दूध की क्वालिटी भी अच्छी है। ये फॉडर की वजह से दूध भी मीठा लगता है, मतलब दूध में शक्कर डालने की जरूरत नहीं। एक ट्रे पे कितना खर्चा आ रहा है? एक ट्रे पे 1 किलो मक्का है सूखा वाला, 1 किलो मक्का का 20 रुपए भाव है, और 20 रुपए में 7 किलो तैयार होता है, तो 1 किलो से 7 किलो बोले तो 2.5 रुपए उसका रेट हो गया। इसमें एक और भी तो फायदा है कि चारा काट के नहीं लाना, जो सिर दर्दी है अपना होगा और ये करो, बिल्कुल काम नहीं है, ये ऑटोमेटिक फॉगर से, ये अपना फॉगर चल गया, ये अपने आप शुरू है। टाइमर बिठा है, शेड नेट लगाया हुआ, शेड नेट लगाया। अच्छा, टाइमर के साथ ये चल गया, और कितनी बार चलता है दिन में? ये दिन में 6 मिनट चलता है, 2 घंटे में 1 मिनट। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, अपना हरा चारा मिल रहा है, लेबर के रिक्वायरमेंट बिल्कुल पास में ही है, दूर से कटाई भी नहीं करनी है, बिजली का बच जाएगा, सभी कुछ बच रहा है इसके अंदर। और सबसे अच्छा है, आप बारिश में भी फॉर्डर काटने को नहीं जा सकते, छाता लेकर आओ, एक ट्रे डाल दो गाय के सामने, इतना ईजी है, बहुत अच्छा है। फिर तो ये देखो ऑटोमेटिक बंद भी हो गया, और ये आदमी खा सकता है, इतनी अच्छी टेस्ट है उसकी, आप भी खा के देख सकते हैं, बहुत मीठा है, मतलब आप बोलेंगे अरे ये तो हमको नहीं मिल रहा है खाने को। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है। चलिए कोई नहीं, गाय खाते तो हम भी खा के देख लेते हैं, गौ माता खाती है तो। हाँ, ये तो मतलब कि बिल्कुल ऐसे ही है, बढ़िया टेस्ट आ रहा है, मीठा लग रहा है, बराबर। तो गाय तो क्यों नहीं खाएगी इसको, बराबर, और अच्छा प्रोटीन्स वाला है। जी जी, चलिए तो आगे भी देख लेते हैं, ये आगे क्या चीज है? अभी तो हम लोग 3-लेयर फार्मिंग दिखाएंगे, जो इंजीनियर लड़का इसमें काम करता है, अच्छा, उसने ये बनाया है, तो वो उसके बारे में जानकारी देंगे आपको। चलो तो अंदर से प्रमोद जी से बात कर लेते हैं। तो प्रमोद जी, यहाँ पे किस तरीके से आपने डिजाइन किया हुआ सारी चीजें? ये अभी कंट्रोल फार्मिंग है पूरा, तो इसमें हम तीनों सीजन में सब तरह के वेजिटेबल्स, धान वगैरह भी ले सकते हैं। तो हमने अभी इधर वर्टिकल फार्मिंग भी किया हुआ है, क्योंकि जिनके पास जगह कम है उनके लिए भी आप फार्मिंग कर सकते हो, और कस्टमर इतने बढ़ रहे हैं तो उतनी जगह बढ़ेगी नहीं, तो उससे बेटर है कि आप कंट्रोल फार्मिंग में ही वर्टिकल फार्मिंग स्टार्ट करो, तो उसमें मुनाफा भी डबल मिलेगा आपका और काम भी कम हो जाएगा। तो टोटल कितने तरीके के यहाँ पे अपने जो वेजिटेबल डाली हुई है? अभी इधर हम 15 टाइप्स के, मतलब 15 टाइप्स के वेजिटेबल्स कर रहे हैं, और हमारा जो बॉर्डर है फार्म का उसके ऊपर हम 100 प्लांट लगाते हैं फ्रूट्स के, उसमें 20 टाइप्स के फ्रूट्स रहते हैं, तो कस्टमर के लिए जो चाहिए वो सब तरह के हम प्लांट्स उगाते हैं, और उनको पूरा वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रोसरी वो सब हम उनको दे रहे हैं। अभी इसमें 3 लेयर के है, तो 3 गुना इसका मुनाफा बढ़ गया, तो उसमें हमने अभी पूरा एक टिल टाइप, मतलब वर्टिकल में भी ट्रायंगुलर टाइप किया हुआ है, तो सबको सनराइज भी अच्छे से मिल रहा है, प्रोडक्शन भी अच्छे से आ रहा है, एक का जो पानी है वो दूसरे के ऊपर नहीं गिरता, तो वेजिटेबल्स भी खराब नहीं हो रहा, क्योंकि 3 गुना ही हो गया, 3 गुना हो गया डायरेक्ट, क्योंकि ये 1 गुना था पहले, एक ही टाइप का था, अभी 2 ये बढ़ गए, तो उसमें से पूरा ये बढ़ रहा है। और बीच में आप रूट प्लांट्स भी ले सकते हो, जो जमीन के नीचे जाएंगे वो भी आप उसके अंदर कर सकते हो। और यहाँ पे कौन कौन सी लगाई हुई है? यहाँ पे अभी लीफी वेजिटेबल्स है, कुकुम्बर है, उसके बाद ब्रिंजल है, बैंगन, टर्मरिक के भी टाइप्स लगाए 3, उसमें व्हाइट जिंजर है, उसके बाद अपना नॉर्मल टर्मरिक है, ब्लैक टर्मरिक भी किया हुआ है, तो उस टाइप्स के। अभी इसी साइड में हमारे 5 गुंठे का है, लेकिन इसमें 8-10 प्रकार के वेजिटेबल्स है, तो जितना आप मिक्स क्रॉपिंग करोगे कस्टमर के लिए अच्छा रहेगा। अभी कस्टमर भी आए हुए लेने के लिए, तो उन्होंने सब सब्जी में से 1.5 किलो मांगा। अच्छा, आदमी आते हैं अपने आप में और उसको तोड़ के कि भाई तुमने ये चाहिए, हमें नहीं तोड़ना है, आप खुद तोड़ो, आके तुलवाओ, तुलवाओ, है ना, अपना राजा जी ने ऐसे बैठना है, अमाउंट दो और खत्म। जी जी, मतलब ऐसा सिस्टम अभी होना चाहिए। जी जी, तो सब हम निकाल के लाएंगे, वो फिर उधर से निकालेंगे अच्छा वाला, तो इधर आओ। हाँ, तो ये है कि अपने आप जो उनसे अच्छा लग रहा है जो भी है अपने आप ले लीजिए। तो अगर इसकी कॉस्टिंग बात करें, जैसे आपने शेड नेट डाला, पोलिया शेड नेट, ये पॉलीटनल है, दोनों का मिक्सचर है, तो इसमें क्या कॉस्टिंग आ गई होगी, और ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है वो क्या है? अभी जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है वो 6 लाख रुपया खर्चा आता है इसमें, इसका 25 साल तक ये रहता है, लाइफ रहता है। अच्छा, अब आप इसमें लगाएंगे 1/4 ऑफ एकड़ में, तो आपका 6 लाख। अभी हमने पूरा ऊपर वाला है, ऊपर वाला, और ये जो नीचे आपने बाल्टी बाल्टी सारी चीजें लगाई हुई है, इसका अभी 1 गुंठा जो रहता है हमारा, उसमें आपको 50,000 रुपीज खर्चा आएगा, लेकिन इसका सबका, ये कंस्ट्रक्शन भी, अच्छा कंस्ट्रक्शन भी, और सब सारी चीजें 50,000 रुपए, 50,000 मात्र 50,000 में हो जाएगा 1 गुंठे का, मतलब एक लाइन का जो खर्चा रहेगा ना, अच्छा वो 50,000 रहेगा। अच्छा, एक गुंठा, अच्छा एक लाइन का खर्चा, ये वाला, ये वाला, तो अपना 6 लाइन है, 6 लाइन है। जी जी, तो 3 लाख इसका खर्चा आ गया, 6 लाख इसका, और 6 लाख इसका, 6 लाख पूरे का है ना इसका, पूरे का, ये पूरे का, तो 6 और 3 9 लाख रुपए के समथिंग में अपना इसका खर्चा आ गया है। गुंठा बता रहे थे, गुंठा मुझे थोड़ा सा पूरा समझाइए, मतलब 1000 स्क्वायर फीट, ये जो रहता है ना, ये 2 डिस्टेंस, ये 2.5 गुंठा रहता है। अच्छा, तो उसमें ये 2 लाइन बिठ जाते हैं, तो एक लाइन बोले तो 1 गुंठा। अच्छा, ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं लोग और लेके जाते हैं, पूरा दिन चालू रहता है हमारा,
मंडे से संडे तक। और अभी इधर भी पाइन एप्पल भी लगाया हमने, जो फ्रूट्स मैंने बोला था। अच्छा। तो साइड में मोस्टली सब फ्रूट्स होते हैं। इधर अभी आ गए, ये अभी गया है। हाँ, अभी गया है। और साइड में क्या लगाया हुआ है? साइड अरवी है क्या? हाँ, अरवी है। बराबर। अच्छा, तो आपने मतलब कि ये वाला एरिया तो वैसे कोई लेता भी नहीं काम में, आपने ये वाला भी एरिया काम में लिया हुआ क्योंकि उधर पानी रहता है बारिश के टाइम, तो अरवी बहुत अच्छे से आ जाते हैं उसमें। तो टोटल प्रोडक्शन अगर वैसे बात करें तो इकोनॉमिक्स समझा दीजिए इसकी, कि इतना पैसा हमें इससे बच जाता है। बच जाता। अभी हम 10,000 स्क्वायर मतलब 10 गुंठे में कर रहे थे तो हमें रोज का 1,000 रुपीज मिल रहा था। 1,000 रुपए अभी जैसे हमने इधर पूरे टाइप के वेजिटेबल्स लगाए हुए तो 100 किलो भी अगर मटेरियल निकला हमारा एक बाय चांस, मतलब एक अप्रोक्स हमने पकड़ लिया, तो उसमें से अगर आपको रेट निकालना होगा, मतलब अगर 80 रुपया वगैरह भी रेट मिल गया तो 800-900 रुपया तो इसका ही मिल रहा है। तो मतलब जैसे ये आदमी आए हैं अभी तोड़ के लेके गए, तोड़ के लेके कितने रुपए का अंदाजन? अभी वो अंदाजन 500 रुपए का लेके जाएंगे। अभी हमने मोस्टली 2 दिन ही खाली प्रोडक्शन के लिए रखा है। अच्छा। क्योंकि बाकी काम भी रहता है तो 2 दिन आते तो 20-25 कस्टमर 2 दिन में आ जाते, तो ऐसे 50 कस्टमर हो जाते। 50 कस्टमर आपके हो जाते हैं, फिर आपने प्रोडक्शन डबल हो गया तो आपके कस्टमर भी डबल हो जाएंगे। तो ये आपके आसपास के एरिया से ही आते हैं? एरिया से ही, मतलब ये जो 5 किलोमीटर के एरिया से ही। आप प्राइसिंग जो है वो ऑर्गेनिक के जैसे ज्यादा रखते हैं तो वो रखा हुआ है या प्राइसिंग? नहीं, प्राइसिंग नॉर्मल है क्योंकि हमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट आता है, हमें जितना खर्चा आता है उसके ऊपर हम 50% मार्जिन रख के हमारा रेट लेके। अभी इसमें पूरा हमने ये भी मतलब ऑटोमेटेड किया हुआ है सब ड्रिप वगैरह। इसको हमने कंट्रोलर लगाया हुआ है, अभी सेंसर बेस है तो ये ऑटोमेटिकली सुबह 9-10 बजे चालू होता है, जितनी पानी की जरूरत है उतना देता है और बंद हो जाता है। लेबर नहीं कोई, तो हमें खुद से करना है तो सब हैंडल करने के लिए फिर तो दिक्कत हो जाएंगी, इसलिए हमने प्रॉपर टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन मशीनरी का यूज करके फायदा। तो ऑटोमेशन पे किस किस चीजों पे पूरे इसके अंदर ऑटोमेशन पे आया? ये तो आपने बता दिया पानी का, पानी का क्या पारा, पानी पूरा ऑटोमेशन से दे रहा है। अभी खाद भी जो फर्टिलाइजर दे रहे लिक्विड के फॉर्म, वो इसमें ऑटोमेशन से आ गया। उसके बाद हमने गाय के लिए हाइड्रोपोनिक फोडर तैयार किया हुआ है, और फार्मिंग के लिए अभी हमने छोटे छोटे इक्विपमेंट्स निकाले हुए, जैसे स्प्रेइंग करने के लिए पंप, उसके बाद पावर टिलर, उसके बाद हमने बायोगैस वगैरह फर्टिलाइजर बनाने के लिए, तो ये सब मशीनरी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। एक चीज और जाननी है, आपने की इंजीनियरिंग, बराबर आप कर रहे हैं पुणे, तो बिल्कुल पास में ही आईटी हब है पूरा का पूरा, आईटी हब। तो जाके आपने जॉब क्यों नहीं की? आप खेती में आने के, आपके फादर ने कहा आप आ गए, तो आपको कैसा लग रहा है अब और क्या उस टाइम पे लगा था? अभी एक्चुअली कैसा है ना, हमारा तो बचपन से पूरा फार्मिंग का बैकग्राउंड था, तो पापा ने वैसे कभी बोला नहीं कि आप फार्मिंग में काम करो, लेकिन हमारी एक इच्छा थी कि अभी हम कर रहे थे, पैसे भी अच्छे से मिल रहे थे, तो बहुत जो बड़े बड़े लोग हैं वो पापा का अपॉइंटमेंट लेके आते थे इधर, तो हमें लगा कि 10वीं जिसका एजुकेशन है उनके पास अगर अपॉइंटमेंट लेके आ रहे तो वो कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, तो फिर हमने शुरू किया उनके साथ जुड़ना। तो जब जुड़ते गए तो बहुत लोग हमें बोल के गए कि आपका बहुत, हम इंडस्ट्री में काम किया, आईटी में, मैकेनिकल में, लेकिन फार्मिंग जैसा जो सेटिस्फेक्शन है वो किधर भी नहीं। और इसमें एक और नई चीज आ गई, आईटी के टाइम पे आज के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम है ना, तो ये वर्क फ्रॉम होम है, जिसको जॉब पे नहीं जाना, अभी कंपनीज जैसे वापस बुला रही है कि नहीं आना है, आना है, तो उनके लिए टेंशन अपना दूर हो जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम जीवन भर, और पैसे अपने आ रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट जो आपकी लैंड है तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। बराबर है। अभी पूरा मार्केटिंग का सिस्टम मेरी बहन सिस्टर पूरा हैंडल करती है, तो हमारा मार्केटिंग वगैरह भी सब पूरा ऑटोमेटेड है, मतलब ऐप वगैरह के ऊपर, तो वो पूरा वो अभी समझा देगी। चलिए तो वहाँ पे चलते हैं। प्रिया जी, मार्केटिंग एंड सेल्स किस तरीके से संभालते हैं आप? अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसा जो हमारा अभिनव फार्मर्स क्लब है उसमें फार्मर्स रिप्रोडक्शन का काम करता है, और जो हम जो लेडीज़ है या जो फार्मर की लड़कियां है, फार्मर की वाइफ है, जो ऐसे ह्यूमन ग्रुप में काम करती है, तो वो सभी जन हम ये मार्केटिंग का पूरा काम संभालते हैं। इसलिए पूरा ये जो सिस्टम है हमारा पैकिंग का, ग्रेडिंग का, मार्केटिंग का, उसमें हम पूरा ऐसे ह्यूमन को इन्वॉल्व किया है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ हमें लेबर प्रॉब्लम बहुत है। फार्मर ही प्रोडक्शन करेगा, फार्मर ही मार्केटिंग के लिए जाएगा, तो एक आदमी को वो काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमने बचत गट को जोड़ा। अभी हमारे ग्रुप में बचत गट क्या करती है, जो ऐसे ज्यूमन है वो क्या करती है, सुबह फार्मर के इधर जाती है, जो मटेरियल उसने निकाला है वो टेम्पो में लेके आती है, बाद में ऐसे हमारे छोटे छोटे पैक हाउसेस रहते हैं, जो 20-30 फार्मर के लिए एक पैक हाउस, उसमें 5-10 ऐसे जी की लेडीज काम करती है, तो वो मटेरियल लेके आती है, बाद में इधर वो सॉर्टिंग ग्रेडिंग करती है। तो और कहने का मतलब हमारे पास में जो फार्मर है वो सभी ऑर्गेनिक वाले हैं ना? बराबर, 100% ऑर्गेनिक। 20 फार्मर्स एक स्पेसिफिक पॉइंट से जुड़े हुए, जैसे ये वाला बराबर, हर उससे 20-20 जुड़े हुए हैं। बराबर, ठीक है। और वहाँ से प्रोड्यूस जो अलग अलग होता है, जैसे हमारे पास में 25 है,
और उनके पास में 25 है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आया तो टोटल 50 हो गए। बराबर। अंदर से जाके डायरेक्टली भी तोड़ सकते हैं और यहाँ से आके कुछ जो नहीं है वो ले सकते हैं। बराबर, ये वाला चीज है। बराबर, ठीक है, आगे बताइए इसमें। तो पूरा मटेरियल लेके आती है, बाद में इधर आधा केजी, पाव किलो, एक किलो, इस हिसाब से पैकिंग होता है। दिखाती हूँ आपको, ये लेफी वेजिटेबल का पैकिंग है, 250 ग्राम का एक होता है। तो ये ऐसा इधर पूरा महिला बचत गट पैकिंग करती है और बाद में कस्टमर के इधर जाके डिलीवरी करती है। अच्छा, कस्टमर के यहाँ पे भी डिलीवरी करते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन बात करें, जैसे यहाँ से भी आके अभी मैंने फार्मर्स देखे जो खुद ही सामान लेके जा रहे हैं, बराबर, और जो हम डिलीवर करते हैं, बराबर, तो उसमें कितना हमारा रेशो है? अभी क्या है, 90% हम खुद डिलीवरी करते हैं, डिलीवर करते हैं, क्योंकि हर एक फार्मर इधर आके ले नहीं सकता। 10% लोग फार्म पे आते हैं। जैसे मैं एक फार्मर हूँ, आपसे जुड़ना चाहता हूँ, बराबर, आपको मैंने सामान दिया, मैं 10 रुपए का सामान, तो आप उसको 12 में बेच रहे हैं कैसे, मतलब कैसे? वो सिस्टम बताती हूँ। अभी हमारा काम कैसा चलता है, प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर काम चलता है। मानो कैबेज का हम एग्जांपल लेते हैं, कैबेज को अगर 7 रुपीज फार्मर को खर्चा आता है तो हम उसको 15 रुपीज देते हैं। अच्छा। मतलब 100% प्रॉफिट से उससे माल परचेस करते। आज इंडिया का सबसे पहला सिस्टम है जो 100% प्रॉफिट देके फार्मर से परचेस करता है। वरना आप कौन से भी बाजार समिति देखो, वो कभी फार्मर से मिडलमैन पूछता भी नहीं, तुझे खर्चा कितना आया है। हम लोगों ने खुद प्रोडक्शन कॉस्ट निकाला है, तो 15 के बाद फार्मर का काम खत्म हो गया, क्योंकि उसको 100% मिला, वो सेटिस्फाई, फैमिली उसका सस्टेन हुआ। बाद में हम क्या करते हैं, वो कैबेज 15 में परचेस करके पैक हाउस पे लाते, साफ करते, पैकिंग करते, ग्रेडिंग करते, आगे कस्टमर को 30 रुपीज से सेल करते, बीच में 15 रुपीज प्रॉफिट मिला। तो वो 15 में भी ऐसा होता है, 10 रुपए महिला बचत गट की लेडीज का, उनको भी पेमेंट देना पड़ता है, 2.5 रुपीज पैक हाउस वाले का और 2.5 रुपीज है वो टेम्पो वैन वाले का, जिसके गाड़ी में हमारा मटेरियल जाने वाला है। तो कहने का मतलब सभी का शेयर है, एक तरीके से। लेकिन उसको उसमें देखो, फार्मर का क्या मेन फायदा रहता है, जो 10 रुपए महिला बचत गट है उसी की वाइफ उस ग्रुप में, उसकी वाइफ, उसकी माँ, बहन, इनडायरेक्टली वो भी 10 रुपए हमारे फार्मर के ही घर में आता है। बाद में बचे 5 रुपए, 5 रुपए में से पहले हम क्या करते थे, शेड रेंट से लेते थे। बोर्ड के सर बोले कि रेंट क्यों आप कर रहे हो, जो ग्रुप का लीडर है 20 लोगों का या जिनका ये सिस्टम है उनको बोलो कि खुद वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, ताकि 2.5 रुपीज भी हम उनको ही दे सकते। तो जो 20 फार्मर का हमारा लीडर है वो उसने पैक हाउस तैयार किया है और टेम्पो वैन भी उसी का है, मतलब इनडायरेक्टली 15 रुपीज पूरे हमारे ग्रुप में ही आते। और हमारा मेन सिस्टम यही है, हमें 1 रुपया भी बाहर नहीं देना है, हमें अपने फार्मर में ही वो खर्चा करना है। तो आप कैसे, जैसे फार्मर आप बता रहे हैं कि आप 90% बाहर भेज रहे हैं, बराबर, ऑर्डर कैसे आता है? ऑर्डर हमारे ऐप के ऊपर आता है, हमारे ऐप का नाम है अभिनव कार्ट, उसका पूरा डेवलपमेंट का काम मैं संभालती हूँ। अच्छा, आप ही डेवलप कर रहे हैं? मैं ही डेवलप कर रही हूँ, मेरे साथ 26 हमारी फार्मर की लड़कियाँ है। हमने क्या किया, जो हमारी फार्मर की लड़कियाँ है उन्होंने ऐप डेवलपमेंट के कोर्स किए और हम लोगों ने अब खुद का ऐप तैयार किया। अच्छा। तो ये हमारा अभिनव कार्ट बोल के ऐप है। अच्छा, ये इस तरीके से है। तो ऑर्डर कहाँ से आते हैं और कितने एरिया? ऑर्डर अभी 20-30 किलोमीटर से आते हैं इधर। अच्छा। ऐसी वैरायटी है उसको जो चाहिए, और लास्ट में ऐसा बिल आता है। ऑनलाइन पेमेंट रहता है, कस्टमर का पेमेंट हम एक दिन एडवांस लेते हैं। मानो अगर संडे के दिन डिलीवरी करते हैं तो सैटरडे रात को 6 बजे तक कस्टमर का ऑर्डर आता है। तो फायदा ये होता है, फार्मर को हम 7 बजे ऑर्डर देते हैं और फार्मर को एक दिन पहला पैसा देते। अच्छा। मटेरियल तो वो संडे देता है, लेकिन जब सैटरडे उसको हम ऑर्डर देते हैं तभी पैसा देता है। डिलीवर कितने कितने दिन करते हैं, हर दिन करते हैं या फिर अल्टरनेट डेज? 3 डेज करते हैं वीक में 3 दिन आप करते हैं। कितना मतलब कि माल सप्लाई कर रहे हैं अभी हम? एक जो हमारा पैक हाउस है, देखो मानो आज का एग्जांपल है, आज हमारे 50-60 ऑर्डर रहते, कम से कम 1-2 हज़ार का मेरा ऑर्डर रहता है। 2 हज़ार का आपका? तो कुछ नहीं बोला तो एक पैक हाउस हमारा 1-1.5 लाख रुपीज एक दिन का कमाता है। एक आदमी का ऑर्डर 1000 रुपए का रहता है? हाँ, एक आदमी का ऑर्डर ऐसा 60 ऑर्डर। अच्छा, एक आदमी का ऑर्डर है तो 60,000 रुपये। अभी देखो आपके आगे क्रेट है, ये एक कस्टमर का एक क्रेट है आप देख रहे हैं, तो एक कस्टमर का 1000-2000 बिल है। एक मिनट में आपको बिल भी दिखाती हूँ। अच्छा। ये देखो 2000 का बिल है, जिसमें घी है, कुछ प्रकार के धान है, वेजिटेबल है, एक्जोटिक वेजिटेबल्स में से कुछ चेरी टोमेटोज है। अच्छा। मतलब तो अपना ऐसे अलग अलग ये अपना क्रेट उसमें रखेंगे, सबका अपना बिल के साथ में क्या क्या सामान था और क्या है, ऐसे हमने रख दिया ये सब। हाँ। कुछ डिलीवरी भी सेम ऐसी होगी, ऐसे ही टेम्पो में डालेंगे, उधर जाके जो गेट होता है कस्टमर का, सिक्योरिटी गेट, उधर जाके ये क्रेट दे के आएंगे सिक्योरिटी को। तो अपना एक हफ्ते का 1,80,000 रुपए के समथिंग में हो गया। हाँ, एक कस्टमर का। इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं 2 लाख में, 4 हफ्ते या 4.5 हफ्ते हुए, तो 8-9 लाख रुपए का हम
लोगों को सप्लाई कर रहे हैं और फिर बाकी जो अपना आप खुद का उगा रहे हैं वो यहाँ से भी लेते हैं, खुद इसमें भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो महीने का आप कह सकते हैं कि 10-1 लाख रुपए के समथिंग में दूध और सारी चीजें निकाल के आप यहाँ से, और ये सब फार्मर का जैसे जी, सब फार्मर का जी 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 नहीं मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ एक तरीके से, और वो आप उसमें से जो नेट प्रॉफिट आपके घर के लिए निकल के आता है वो 60-70 हजार रुपए निकल के आता है। तो आप घी भी सप्लाई कर रहे हैं, सारी चीजें सप्लाई कर रहे हैं, मतलब देसी काऊ का जी जी। तो जैसे आपने बताया कि 20 फार्मर्स का एक ग्रुप है और आपने एक हाउस ये बताया, टोटल कितने हैं अभी इधर पुणे में? 56 है और ऑल ओवर अगर ये महाराष्ट्र वगैरह हमने देखा तो 256 पैक हाउस समथिंग है। 256 × 20 तो इतने टोटल फार्मर्स अभी फिलहाल से जुड़े, फार्मर्स तो बहुत ज्यादा है। अच्छा। जैसा कि हमारा 50-60 फार्मर के लिए भी कुछ पैक हाउस काम करता है। अच्छा, लैंड के ऊपर कितना ग्रो कर रहे हैं वो क्या कर उस हिसाब से, अभी के इधर एक एक एकड़ का फार्म रहेगा तो 20 लोग देते, कुछ जगह 50 भी फार्मर देते एक पैक हाउस के लिए, कुछ जगह 100 भी फार्मर्स देते, तो फार्मर्स तो वैसा 2.5 लाख के ऊपर है अभी हमारे, पैक हाउस 256 है। अभी हमारे साथ मेरे दामाद भी है जो आईटी का जॉब छोड़कर इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आप भी साथ में आ गए, उनके बेटे तो थे और आप भी थे, तो आईटी में क्या करते थे आप? मैं कंप्यूटर का बिजनेस करता था, हार्डवेयर का वगैरह, सॉफ्टवेयर का, दोनों भी। तो कब से, शादी के बाद से ही आप आ गए करते हुए कैसे? हाँ, शादी होने के बाद मैंने इनके साथ ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, तो कितने दिन बाद शादी किया, कैसे मतलब? शादी के तुरंत 6 महीने बाद, तुरंत चालू 6 महीने बाद ही आप इस पे, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? नहीं, फ्यूचर देख के मैंने चालू किया है, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर तो वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन ये जो एग्रीकल्चर वाला बिजनेस है जब तक आदमी जिंदा है तब तक चलेगा और इसका फ्यूचर बहुत ग्रेट है आगे जाके, और जैविक खेती का तो और ही ज्यादा है। तो आपको मतलब की इंस्पिरेशन मिली एक तरीके से? इंस्पिरेशन सर से ही मिले, उनको देख के हमने ज्वाइन किया है। तो सर आपने खेती की शुरुआत और अभिनव फार्म कब शुरू किया? 1999 में मैंने खुद का फार्म स्टार्ट किया, 4-5 साल तक मैंने 10 घंटे के पहले उसमें फ्लोरिकल्चर बेचा, और जब वेजिटेबल्स में आया तो बहुत सारे लोग मेरा देख कर आने के बाद मैंने अभिनव फार्मर्स क्लब 11 लोगों से तैयार किया। कौन से साल में? 2004 में। तो शुरुआत कैसे की और क्या थॉट प्रोसेस था, और यहाँ पे आपने ये भी लिखा हुआ है नाबार्ड का कुछ, हाँ तो ये क्या चीज़ है? तो शुरुआत हमने अकेले से किया, बाद में 11 लोग हो गए, 11 लोगों के बाद अभिनव फार्मर्स क्लब नाबार्ड ने बनाया, फिर नाबार्ड को मैं बोला कि इतने लोग आते, इतने कस्टमर बढ़ गए लेकिन हमारे पास उतनी सब्जी नहीं है, तो ये सिस्टम के लिए आप कुछ दे दो। नाबार्ड बोले आप ट्रेनिंग सेंटर शुरू कीजिए, इसलिए नाबार्ड का ट्रेनिंग सेंटर, ये सैटरडे संडे ट्रेनिंग होता है यहाँ पे, जिसमें 2 दिन पूरा थ्योरी और प्रैक्टिकल सिखाते हैं, तीसरे दिन जाकर किसान अपने फार्म पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग करके खुद का मटेरियल खुद बेच सकता है, इतनी ताकत तैयार करते हैं उसमें जी। तो अब ये बताइए कि आपको 5 साल लग गए फ्लोरिकल्चर पे और फिर आप इस पे आ गए, तो फूल का क्यों नहीं किया, वो भी तो अच्छा सा काम है। फूल में 4-5 साल के बाद बहुत सारे लोगों ने फ्लोरिकल्चर शुरू किया, डिमांड उतना ही था, सप्लाई बढ़ गया, रेट गिर गए उसके। अच्छा। जहाँ पे दिल्ली मार्केट में, हनुमान मार्केट जो है पहाड़गंज में, नई दिल्ली में, वहाँ पे आप देखेंगे तो 2 लाख फ्लावर का डिमांड था। आप दिल्ली बेचने जाते थे? हाँ, दिल्ली ट्रेन से, पुणे से दिल्ली आप बेचने जाते थे? आज भी ट्रेन से दिल्ली में भी बहुत सारा मटेरियल, एक्जोटिक वेजिटेबल बेचते हम लोग। अच्छा। उस टाइम फ्लावर बेचते थे, लेकिन 2 लाख फ्लावर का डिमांड था और 20 लाख फ्लावर तैयार होने लगे, इसलिए दिल्ली का भी फ्लावर का डिमांड बंद होने के बाद हम वेजिटेबल्स पे कन्वर्ट हो गए। शुरुआत कैसे हुई थी और कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ स्टेज वाइज? ओके, तो शुरुआत जो है, शुरुआत फ्लोरिकल्चर से हो गई, जैसे जैसे 3-4 साल फ्लोरिकल्चर में आई सब अच्छा पैसा मिलने लगा, लेकिन सप्लाई बढ़ गया, डिमांड उतना ही था, रेट गिर गए, फिर हमने तुरंत एक्जोटिक वेजिटेबल पे शुरू किया, ब्रोकली, चाइनीज कैबेज, वो भी 5-स्टार होटल में, मॉल्स में बेचता था, वहाँ पे भी डिमांड कम था, 2 किलो का 3 किलो का। जब न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल पे दिखाया गया तो बहुत सारे लोगों ने एक्जोटिक वेजिटेबल लगा के मैं जिस मॉल को बेचता था उनको ही बेचने लगे, तो मेरे ध्यान में आया कि 80 रुपये किलो वाली चीज़ डायरेक्ट 20 रुपये से मांग रहे मॉल वाले, तो मैं बोला ऐसा क्यों कर रहे, तो बोले बहुत लोग दे रहे, देने के लिए तैयार, तो आप काशी में क्यों खरीदे। फिर मैंने एक्जोटिक वेजिटेबल भी बंद कम किया और अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग किया, जब तक दुनिया में आदमी जिंदा है तब तक चलने वाला ये फार्मिंग है। एक चीज़ मुझे जाननी है आपसे, लोगों ने किया फ्लोरिकल्चर आपने बंद कर दिया, हाँ आपने ये किया एक्जोटिक वाला वो बंद कर दिया क्योंकि हो गया, आप भी तो इतने सारे ग्रुप चला रहे हैं तो लोग बात कर रहे हैं, ये क्यों बंद नहीं कर रहे हैं आप? हाँ, ग्रुप जो है, ग्रुप का पहला मार्केटिंग टाइप करके देते हैं हम लोग, बाद में ग्रुप उगाता है।
जी, तो ग्रुप में जितना डिमांड है उतना सप्लाई करना ओके, लेकिन उसके बाद सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, अभी डिमांड बढ़ रहा है, हमारे पास सप्लाई नहीं है ग्रुप का काम, इसलिए ग्रुप का कभी बंद नहीं होगा। और अभी तो हम फैमिली फार्मर बन गए, एक एकड़ वाले को 20 कस्टमर चाहिए, 20 कस्टमर को ढूंढते हैं, थर्सडे को 10 कस्टमर और संडे को 10 कस्टमर, 20 कस्टमर को 20,000 का मटेरियल बेचते हैं, सब्जी धान मिल्क फ्रूट, तो मेरे घर में लाख रुपये आना शुरू हो गया, बस हो गया, मेरा नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं दूसरों का बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, आपका तो मतलब कि हो गया, हाँ, जो ग्रुप पे मेनली बेसिकली फोकस है, हाँ, कि लोग बाग जो है और जो किसान है, हाँ, उनको भी इस चीज के अंदर लेके आए जो आप कर रहे हैं। बराबर, दिक्कतें बहुत आई क्योंकि लोगों को लगा कि ये इतने लोगों को मार्गदर्शन कर रहा है, अकेला अमीर होगा। जब लोगों ने देखा कि इतने साल से 1,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे ग्रुप में, तो ये तो बहुत अमीर बना होगा, तब मैंने उनको बता दिया कि मेरा 10-12 लाख ही कमा रहा हूँ, लोग सब मिलकर 1,56,000 लोग मिलकर उतने पैसे कमा रहे। मैं बोला कितने पैसे कमा रहे वो मत देखो, कितने लोगों को रोजगार दिया है ये भी देखो, 1.5 लाख किसान काम कर रहे हैं और 1.5 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतें भी पैकिंग ग्रेडिंग में काम कर रही। जैसे जैसे काम करते चला जी, कस्टमर ग्राहक आते रहे और ग्राहक बोलते रहे कि बुड़की जी आप ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, तो उनको जो लगता है वो मैं उगा के देने लगा, इसलिए पैसा मिलने लगा। तो किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप आखिर में, ये बताइए। मैं किसानों को ये संदेश देता हूँ, इस चैनल के थ्रू 100% प्रॉफिटेबल फार्मिंग करना है, सिर्फ फार्मिंग नहीं करना है, प्रॉफिटेबल फार्मिंग। और प्रॉफिटेबल फार्मिंग के लिए कम से कम खर्चे करने हैं, कम से कम लेबर लगाना है, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी, कम से कम पानी देना है, और दूसरा कस्टमर देखकर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो उगाना है। हमारे इन देश में कुछ भी उग सकता है, कुछ भी, क्योंकि ठंडी है, गर्मी है और बारिश है, तीनों सीज़न जिस कंट्री में है उस कंट्री में कोई भी चीज़ उगा सकते, इतना ही मैं कहता हूँ। और कस्टमर 100% राह देख रहा है कि कौन ऑर्गेनिक देगा, और आप भी राह देख रहे हैं, मुझे अच्छा कस्टमर, ये दोनों को मिलने का काम जब होगा जब आप प्रॉफिटेबल फार्मिंग का सोचेंगे, बिजनेस समझकर फार्मिंग कीजिए, 100% ये सस्टेनेबल इंडस्ट्री है। तो दोस्तों आज हमें फैमिली फार्मर की असली डेफिनेशन पता चली है, जहाँ पे कि एक बाप, बेटा, माँ और यहाँ तक कि दामाद भी इस खेती के अंदर काम करते हैं और लोगों को अपना प्रोड्यूस बेचते हैं। तो अगर आपको ऐसी और कोई जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। यहाँ पर ये वीडियो हम समाप्त करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय किसान।